हमने अपने लास्ट टॉपिक में देखा कि अगर एक वायर में से करंट गुजरे तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और अगर उसी कंडक्टर को जिसमें हमारे पास करंट गुजर रहा हो उसको किसी ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस कंडक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगती है तो आए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम उस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड द टॉपिक इज़ फोर्स ऑन अ करंट कैन कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अच्छा अगर हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें और इस तरह प्लेस करें कि इसमें हमारे पास करंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर का रिलेशन बन रहा हो यानी कि करंट का और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तब हमारे पास फोर्स को हम स्टडी कर सकते हैं ये जो फोर्स होगी आप डायग्राम से देख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के लेंथ के और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के यानी कि एफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आए एल एंड बी वेयर एज आई हमारे पास करंट होता है जिसके यूनिट्स हमारे पास एम्पेयर्स में होते हैं और आपको ये बात पता है कि जब भी हम साइन अप और को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट के लगाते हैं और हमारे पास ऐसे यूनिट्स को इसमें फॉर्म करने के लिए यानी कि ऐसे यूनिट्स को मेंटेन करने के लिए हम इसमें के की वैल्यू को वन पुट करेंगे तो इस वजह से हमारे पास एफ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बी आई एल ठीक है जी और इसके अलावा हमें पता है कि जो इसमें लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इसमें इसके अलावा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम प्रोडक्ट को हटाते हैं यानी कि वेक्टर फॉर्म्स एक नॉर्मल फॉर्म में आते हैं तो हम साइन थीटा या कॉस थीटा लगाते हैं यहाँ पर हम बी आई एल के साथ साइन थीटा लगा देंगे और ये रिलेशन आपको याद रखना है कि एफ जो है वो हमारे पास बी आई एल साइन थीटा के इक्वलेंट होती है ठीक है जी और इस साइंस थीटा से आपको ये पता चल रहा है कि हमारे पास लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में वेक्टर क्वांटिटी हैं और आपके पास अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें आपके पास लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगी तो आप इजीली उसकी फोर्स फाइंड कर लिया करेंगे अब ये जो फोर्स है ना ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है और हमारे पास फोर्स इंक्रीज करती है कि अगर हम उस वायर के अंदर करंट को इंक्रीज़ कर दें ठीक है जी द फोर्स इज इंक्रीज इफ करंट इन दायर इज़ इंक्रीज़ या इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीज़ यानी कि अगर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर दे तो तब भी हमारे पास उस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और तीसरी और लास्ट चीज़ हमारे पास है लेंथ ऑफ द वायर जैसा कि आप इस अपनी इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि एफ़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के एल के और बी के और अगर ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इन तीनों के इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो फ़ोर्स है किसी कंडक्टर पे लगने वाली वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी अब यहाँ पे हम इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे तो आए इसको पढ़ते हैं और इस फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या आए पहले इसको देख लेते हैं स्ट्रेच द थम फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड है इसकी फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थम को हमने इस तरह स्ट्रेच करना है कि ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों ठीक है जी इफ़ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि अगर हमारे पास जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं एंड द मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द थंब वुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर ठीक है जी ये चीज़ आपको बतानी चाहिए कि अगर हमारे पास फोर फिंगर जो है फील्ड के डायरेक्शन में हो और हमारे पास मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो तो हमारा जो इरेक्टेड थंब है लेफ्ट हैंड का वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बता रहा होगा तो हमने सीख लिया बेसिकली कि अगर एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होती है और इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं आएँ अब एक एग्जांपल से इसको हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल थर्टीन पॉइंट वन है कि अ वायर कैरिंग टू ए करंट हैज़ अ लेंथ ऑफ टेन सेंटीमीटर बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कप्ड एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री टू द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स टी फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर हमारे पास करंट गिवन है करंट हमारे पास टू एम्पेयर है इसके अलावा लेंथ गिवन है जो कि हमारे पास टेन सेंटीमीटर है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और एंगल भी गिवन है तो आए इसको सॉल्व करते हैं कि करंट हमारे पास है टू एम्पेयर्स इसके अलावा हमारे पास जो लेंथ है वो है टेन सेंटीमीटर या फिर वो हमारे पास इक्वल होती है जीरो पॉइंट वन मीटर्स के और एंगल है मेरे पास थर्टी डिग्रीज और मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है बी की वैल्यू जो है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स टेस्ला है हमारे पास ये तीन चीज़ें आ गई हैं बी आई एल और थीटा हमने क्या फाइंड करना है फोर्स और आपको ये चीज़ पता है कि हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था एफ़ इज़ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा ठीक है हमारे पास बी भी है आई भी है एल भी है उसके अलावा हमारे पास थीटा की वैल्यू भी है तो आए इसके अंदर वन बाई वन करके पुट कर देते हैं बी की वैल्यू है मेरे पास जीरो पॉइंट सिक्स आई की वैल्यू है मेरे पास टू एल की वैल्यू है मेरे पास जीरो पॉइंट वन और हमारे पास साइन है साइन थर्टी के इक्वल ठीक है जी तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाय साइन थर्टी तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स के ठीक है जी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स न्यूटन क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो फ़ोर्स के यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन ही होते हैं चाहे वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो या हमारे पास कूलम फ़ोर्स या इसके अलावा हमारे पास कोई भी मैकेनिकल फ़ोर्स हो हम फोर्स के यूनिट्स जो हैं न्यूटन ले रहे होते हैं तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला करंट है और मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल गेवान हो तो आप इजीली उस कंडक्टर पर लगने वाली फ़ोर्स को फाइंड कर सकते हैं